distance traveled by a body in last second of motion, या फिर distance traveled by the body in nth second. ये nth second, last second, ये क्या बात बनी? देखो, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स, तो शुरू से लेके 10 सेकेंड तक कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आपको कैलकुलेट करना है. एक स्टेटमेंट है. दूसरी स्टेटमेंट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 10th सेकेंड. मैंने ये नहीं कहा 10 सेकेंड्स, मैंने कहा 10th सेकेंड. 10th सेकेंड का मतलब 10वां सेकेंड. तो यानी कि वो जो आखिरी एक सेकेंड है 10th सेकेंड, उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. फर्क है, ठीक है. मैंने पढ़ाई की और नर्सरी से लेके 11वीं 10वीं तक या 11वीं तक, लेकिन अभी मैं कौन सी क्लास में हूं? 11th. 11th लिखते हो, 11वीं चल रही है. और टोटल पढ़ाई कितनी की? 0 से लेके 11 तक. पॉइंट समझ में आ रहा है? 10 तक. तो कहने का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड में पूरा डिस्टेंस आएगा, 10th सेकेंड में 10वें सेकेंड का डिस्टेंस आएगा, और जो 10वां सेकेंड है वो पूरी जर्नी का लास्ट सेकेंड है. जैसे अगर कोई बॉडी 10 सेकेंड लेती है एक डिस्टेंस कवर करने में, तो आखिरी सेकेंड में कितना कवर करेगी वो ये एक्सप्रेशन है. और आखिरी सेकेंड को क्या बोलते हैं? nth सेकेंड. तो ये एक्सप्रेशन सही है, लास्ट सेकेंड या nth सेकेंड. क्लियर है? इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, सपोज करो आपके पास ये ग्राउंड है, और सपोज एक बॉडी यहां से आप रिलीज करते हो विद इनिशियल वेलोसिटी u, वो नीचे आती है या आगे जाती है, तो यहां से यहां आने में बॉडी कितना टाइम लेती है? n सेकेंड लेती है. तो इस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय s n का मतलब डिस्टेंस इन n सेकेंड्स, ठीक है यहां तक. और एक सेकेंड पहले, इससे ठीक एक सेकेंड पहले बॉडी कहीं हवा में यहां कहीं होगी, बॉडी जो है वो यहां कहीं होगी एक सेकेंड पहले हवा में, क्योंकि एक सेकेंड के बाद वो जमीन पे आ जाएगी. तो फिर ये बताओ कि यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? n माइनस 1 सेकेंड, एक सेकेंड कम लगा. और इस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय s ऑफ n माइनस 1. तो डिस्टेंस इन n सेकेंड, डिस्टेंस n माइनस 1 सेकेंड. आपको क्या निकालना है? ये निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड. तो ये डिस्टेंस होगा क्या? एस एन में से क्या माइनस करना पड़ेगा? एस माइनस वन. तो टोटल एस एन में से ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे तो आखिरी सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा. इसको बोलते हैं एस एनथ. एस एनथ का मतलब लास्ट सेकेंड या एनथ सेकेंड ऑफ मोशन का डिस्टेंस. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेशन होगी? जैसे अगर टोटल टाइम टेकन 10 सेकेंड है, तो आप 10 सेकेंड के डिस्टेंस में से 9 सेकेंड के डिस्टेंस को माइनस करके 10th सेकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो. तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन कैसे होगी? कोई डाउट इसमें? ठीक. तो ये एक्सप्रेशन निकालते हैं कि ये इसका फॉर्मूला क्या होगा. वैसे कोई कहता है फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है. मैंने कहा वो क्यों? वो कहता है इसमें करना क्या है, अगर आप मुझसे 10th सेकेंड का डिस्टेंस पूछते हो तो मैं एस 10 निकाल लूंगा, मतलब डिस्टेंस नहीं 10 सेकेंड निकाल लूंगा, डिस्टेंस 9 सेकेंड का निकाल लूंगा, दोनों को माइनस कर लूंगा. आंसर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर हमें क्वेश्चन जल्दी करने हैं, हमने पेज नहीं भरने हैं, हमें क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने हैं. तो हम क्या करेंगे, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला डराइव कर लेंगे, बस n की वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा. ठीक, वही करने जा रहे हैं. तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ये देखो, सपोज ये बॉडी यहां से आ गई, टोटल डिस्टेंस कितना है? एस एन है. एक सेकेंड पहले कितना है? एस ऑफ एन माइनस वन है. और ये एस एन एथ है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन. अब ये बताओ कि अगर बॉडी का एस एन निकालना है, पूरे की पूरी जर्नी निकालनी है, तो क्या इक्वेशन अप्लाई करेंगे? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एन सेकेंड में यू एन टाइम की जगह एन, हाफ ए टाइम की जगह एन का स्क्वायर. क्या ये स्टेप क्लियर है? राइट, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दें पूरी जर्नी के लिए नीचे तक का. तो टाइम टेकन एन सेकेंड्स है, तो आप यहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह एन, टी की जगह एन, एस एन आ गया.
और अगर आपको s ऑफ n माइनस वन निकालना है तो इसी इक्वेशन में n ना पुट करें, n की जगह n माइनस वन, n की जगह n माइनस वन पुट करें। ये भी क्लियर है यहां तक। और s nth निकालना है तो s nth में क्या करें, s n की वैल्यू में से s ऑफ n माइनस वन को क्या कर दें, माइनस आंसर आ जाएगा। इसके अंदर एस एन का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स, एस एन माइनस वन का मतलब है डिस्टेंस इन एन माइनस वन सेकेंड। तो ये लो वैल्यू पुट करते हैं, एस एन की जगह यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एस एन माइनस वन की जगह यू एन माइनस वन हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। यहां से ओपन करो यू एन माइनस यू, मैथ स्टार्ट हो गया, इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये भी क्लियर है, पूरे ब्रैकेट को ओपन करें यू एन हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ए एन स्क्वायर, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर ए बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बाई टू, लेकिन माइनस लगा हुआ है माइनस ए बाई टू, फिर ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, सॉल्व करके ये टर्म आ जाएगी क्योंकि टू से टू कैंसल, यहां से हाफ ए एन स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर यू एन कैंसल, तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बच गई। इस टर्म में ए बाई टू कॉमन निकाल लो, अगर आप ए बाई टू इन दोनों में से कॉमन निकालते हो तो यहां पर क्या बचेगा माइनस वन, और यहां पर ए तो बाहर आ गया पर टू तो है नहीं, तो टू से क्या करना पड़ा मल्टीप्लाई। अगर ऐसे कॉमन नहीं समझ में आता ऐसे समझ लो, ए बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस ए बाई टू, ए बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा ए एन, आपके सामने कॉमन आया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बन गया एस एन एथ का, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टेंथ सेकेंड ऑफ द मोशन। तो कुछ नहीं करना एस टेन एस नाइन माइनस करो, नहीं, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें सीधा एन की जगह टेन पुट कर दें, आंसर डन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो ये आपका जो है प्रूफ है, ये प्रूफ आपने से अब करके देखना है, इसको प्लीज कैलकुलेशन करें और माइनस करें, स्पेशली ये माइनस करके एंड रिजल्ट निकाल के देखें।